इंडियन डिफेंस फोर्सेस में बेनिफिट्स और पर्क्स तीनों सर्विसेज के लिए यूनिफॉर्म है एक्सेप्ट फॉर फ्यू सर्विस स्पेसिफिक एडवांटेजेस। डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन में आज हम बात करने वाले हैं हाउ इज इंडियन नेवी डिफरेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। इंडियन नेवी के शिप्स और सबमरीन्स अक्सर कई फॉरेन पोर्ट्स का विजिट करते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर सर्व करने वाले मैन कई फॉरेन पोर्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं जहां ये शिप्स विजिट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। ऑफिसर्स और सेलर्स को बोर्ड पर सेवरल रिक्रिएशनल फैसिलिटीज का एक्सेस मिलता है। एक शिप या बेस पर काम करने वाले ऑफिसर या सेलर के रूप में इट्स नॉट जस्ट ऑल वर्क एंड नो प्ले। आपके पास बाकी सर्विस मेंबर के साथ काम करने और रहने की अपॉर्चुनिटी होगी, साथ ही जॉब से दूर रेस्ट और रिलैक्स करने की भी अपॉर्चुनिटी होगी। नेक्स्ट बेनिफिट है अकोमोडेशन। ऑफिसर और सेलर्स फ्री अकोमोडेशन के हकदार हैं। इंडियन नेवी अपने सेलर्स और ऑफिसर्स के लिए आउटस्टैंडिंग लिविंग एरियाज और कंडीशंस को प्रोवाइड करने में प्राइड फील करती है। ज्यादातर रेजिडेंशियल एरियाज में मार्केट्स, एटीएम्स, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम जैसी फैसिलिटीज हैं। चाहे आप एक बैरक्स में रह रहे हो या अपार्टमेंट में या हाउस में, इन सभी फैसिलिटीज का एक्सेस आपके पास है। नेवी हाउसिंग कई फैमिलीज का घर है, मॉम्स, डैड्स, किड्स और यहाँ तक कि कुछ ग्रैंड पेरेंट्स का भी। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोथिंग। ऑफिसर को टाइम टू टाइम अपनी यूनिफॉर्म स्टिच कराने के लिए अलाउंसेस दिए जाते हैं। सभी सेलर्स फ्री क्लोथिंग के हकदार हैं। अपनी यूनिफॉर्म को बनाए रखने के लिए हर मंथ ऑफिसर्स और सेलर्स को एक मेंटेनेंस किट अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद जो बेनिफिट दिया जाता है वो है राशन। सारे ऑफिसर और सेलर्स को फ्री राशन दिया जाता है। सेलर्स अपने फैमिली के साथ रहते हुए राशन के बदले पैसे भी मांग सकते हैं। अब बात करते हैं नेवल हाउसिंग स्कीम्स की। रिटायरमेंट के बाद लगभग मेजर सिटीज के पास स्पेशल हाउसिंग स्कीम्स हैं। ऑफिसर और सेलर्स के पास पोस्ट रिटायरमेंट सेटलमेंट के लिए अपनी पसंद के स्टेशन के आसपास मॉडर्न एक्सीलेंट अपार्टमेंट को एक्वायर करने की अपॉर्चुनिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लीव एंड ट्रेवल कंसेशंस। ऑफिसर्स और सेलर्स लीव टाइम को एंजॉय करते हैं। ऑफिसर्स को 60 डेज एनुअल लीव और 20 डेज कैजुअल लीव मिलती है। साल में 30 डेज की लीव भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जिसे आप रिटायरमेंट के टाइम एनकैश कर सकते हैं। लीव के एक्यूमुलेट की एक लिमिट है, जिसे टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। ऑफिसर्स और उनकी फैमिली के मेंबर्स साल में एक बार छुट्टी पर फ्री रेल और एयर ट्रेवल के लिए भी जा सकते हैं। ट्रेन से ट्रेवल करने के लिए हर एक ऑफिसर को 6 ट्रेवल कंसेशन भी ऑथराइज्ड है। सेलर्स और उनकी फैमिली को साल में एक बार छुट्टी पर फ्री रेल ट्रेवल मिलती है। बाकी ओकेजंस पर रेल और एयर द्वारा ट्रेवल कंसेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है हेल्थ केयर। मेडिकल इमरजेंसी के टाइम हाई क्वालिटी हेल्थ केयर असेंशियल है। बढ़ती मेडिकल कॉस्ट और आसमान छूता इंश्योरेंस प्रीमिया क्वालिटी मेडिकल केयर को अफोर्ड करना मुश्किल बना सकता है। नेवी वर्ल्ड क्लास मेडिकल केयर प्रोवाइड करती है हर एक ऑफिसर और उनकी फैमिली को। ये फुल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज सभी मिलिट्री हॉस्पिटल्स और मिलिट्री डेंटल फैसिलिटीज में अवेलेबल है। और अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो है ट्रेनिंग। आपके द्वारा सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करने के बाद आपको वन ऑफ द नेवल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स में भेजा जाता है। यहाँ आप साइंटिफिकली प्लान्ड रिग्रस फिजिकल एंड एकेडमिक ट्रेनिंग से गुजरते हैं, जिसका एम आपको नेवी की लाइफ के लिए तैयार करना है। सभी नेवल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से इक्विप्ड हैं और क्लब्स, स्विमिंग पूल्स, स्क्वाश कोर्ट्स और कई ऐसी फैसिलिटीज से लैस हैं। एक बार जब आप ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट में शामिल हो जाते हैं तो नेवी आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स जैसे बोर्डिंग, लॉजिंग और क्लोथिंग का ध्यान रखती है। अगर आपने कमांड्स ऑफ इंडियन नेवी के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसकी वीडियो को चेक कर लो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिला होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो हमेशा की तरह नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक पे जरूर क्लिक करना और आगे शेयर करना, क्योंकि नॉलेज को हमेशा शेयर करना चाहिए। आप सबको बेस्ट ऑफ लक।